अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरातुल मुंतहा। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना सेकंड चैप्टर, दैट इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है, वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और उसको हम किस तरह से साइंटिस्ट जो होते हैं उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट थ्योरी, लॉ स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे, डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे, डाटा एनालिसिस को देखेंगे, मैथमेटिक्स को देखेंगे एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। स्टूडेंट, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ये किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि चैप्टर कितना इम्पोर्टेंस रखता है अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड पैटर्न। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर में से दो एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, दो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, टू टू मार्क्स के फोर मार्क्स हो गए, बट इस सेकंड चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। मतलब इस चैप्टर को हमने एज एन लॉन्ग क्वेश्चन तैयार नहीं करना, सिर्फ इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करना है और एमसीक्यूज के लिहाज से तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, दैट इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है, किस तरह से क्रिएट होती है? जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ये प्रोड्यूस होती है बेसिकली ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई भी डिजीज़ है, आजकल एग्जांपल लेते हैं हम कोरोना वायरस, वो कोई भी डिजीज़ है, साइंटिस्ट उसके ऊपर सर्च करेंगे कि ये डिजीज़ क्यों है, कहाँ से इवॉल्व हुई है, आखिर इसकी वजह क्या थी, या अगर अब आ गई है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। ये सब चीज़ें, ये सब सवाल जो होते हैं, ये सब सवाल जो होते हैं क्या कहलाते हैं, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में होते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट का सोचना कि आदर जो डिज़ीज़ इवॉल्व हुई है, जो डिज़ीज़ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड तो नहीं है, या हर एक सवाल जो भी उनके माइंड में आता है, ये सब कुछ किस में शामिल होता है, लिविंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में शामिल होता है। और अब इसी चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड को, बायोलॉजिकल मेथड क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी साइंटिफिक मेथड जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। ठीक है, कोई भी साइंटिफिक मेथड हो, साइंटिस्ट कोई भी मेथड इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल मेथड कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, जिस तरह से हम बात करते हैं कि साइंटिस्ट की, साइंटिस्ट कहते हैं कि जो आदमी होता है, मैन है, वो इटसेल्फ एक बायोलॉजिस्ट है, यानी कि हर इंसान अपने आप में एक बायोलॉजिस्ट होता है। किस तरह से होता है कि अगर हम अपनी अर्ली हिस्ट्री को देखें, वेरी अर्ली हिस्ट्री को देखें, आजकल तो हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हो जाती है ना हमारे घर में, बट अगर हम बहुत ज़्यादा पहले अरसे की बात करें, जब इंसान जंगलात में रहते थे, उनको ये सब चीज़ें जो थी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं थी। आदमी जो थे वो जंगलात में रहते थे, वहाँ पे जंगलात में वो जानवरों का शिकार करते थे, गुड हंटर थे। ठीक है, अपनी खुराक खुद तैयार करते थे, सीड्स वगैरह को देखना, रूट्स, उनको हर चीज़ का इल्म था इन आदमी को, जब वो जंगलात में रहता था उसको हर चीज़ के बारे में पता था, वो इवन एनिमल के हैबिटेट के बारे में भी जानता था, इवन वो प्लांट्स के बारे में भी जानता था कि कौन सा प्लांट उसके लिए एडिबल है, कौन सा प्लांट उसके लिए नॉन एडिबल है। एडिबल मीन ये होता है कि जो, मतलब ऐसे प्लांट्स जो हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मशरूम को हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तब के इंसानों को ये भी पता था कि कौन सा प्लांट भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम उसको खा सकते हैं, क्योंकि वो जंगलात में रहते थे। आज हम लोगों को इतना कुछ नहीं पता, इवन हमें प्लांट्स के नेम भी याद नहीं होते सही तरह से कि ये कौन सा प्लांट है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये कहते थे कि जो इंसान है वो भी क्या है, एक खुद एक बायोलॉजिस्ट है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आती हैं, उसी से रिलेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेप्स की तरफ। स्टूडेंट, जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है साइंटिस्ट से रिलेटेड, तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीवरल स्टेप्स टेकन लिए जाते हैं। ठीक है, ये वो स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के बगैर वो अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते, और ये स्टेप्स इसी तरतीब से होते हैं। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में,
राइट डाउन दी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लिखें जो हम सॉल्व करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, तो उसके स्टेप्स लिखें कि कितने मतलब स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम स्टडी करेंगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किस तरह से किया जाता है। सेकेंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन, थर्ड हाइपोथीसिस फॉर्मुलेट करना, फोर्थ वन इज़ द डिडक्शन, एंड नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन, एंड फर्दर हम स्टडी करेंगे समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड देन रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, के स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो क्या है, किस टाइप की है, कहाँ से आई है। जो बेसिकली जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ये क्वेश्चन होता है जो कि रिलेट करता है साइंटिस्ट के माइंड में, आता है साइंटिस्ट के या किसी के भी माइंड में आ सकता है कि ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास आई है हमने इसको फेस करना है, एदर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ने तो क्रिएट नहीं की, ये किस तरह से है। ये सारे जो ख्यालात होते हैं हमारे दिमाग में आते हैं, साइंटिस्ट के दिमाग में आते हैं कि ये जो बीमारी है, ये जो डिज़ीज़ है, या जो ये प्रॉब्लम है बायोलॉजिकल, ये है क्या, ये क्यों हुई है, इधर ये कहाँ से आई है, अगर आई है तो इसका रिलेशन किससे है, हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके लिए बेनिफिशियल क्या है, इसके लिए लोसेबल क्या है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें मतलब एक इंसान के दिमाग में आती हैं, एक साइंटिस्ट के दिमाग में आती हैं एक अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखते हुए, वो क्या कहलाती है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं कि ये आई किस तरह से आकर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन, जब कोई भी चीज़ हम कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि ये है क्या, नेक्स्ट उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन किस तरह से होती है, ऑब्जर्वेशन आर मेड विद दी सेंसेस ऑफ विजन, फाइव सेंसेस होती हैं इसकी। फर्स्ट क्या होती है, विजन, नेक्स्ट इज़ द हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये बेसिकली फाइव जो होते हैं ये सेंसेस हैं जिनके थ्रू जो होते हैं हम अपनी ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट जो होते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो ऑब्जर्वेशन होती हैं स्टूडेंट्स ये दो तरह की होती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड द सेकंड वन इज़ द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स कंसीडर किया जाता है कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो मोर एक्यूरेट है देन क्वालिटेटिव वंस। क्यों मोर एक्यूरेट है क्वांटिटेटिव, क्योंकि जो क्वालिटेटिव होती है ना उसके अंदर हम सिर्फ चीज़ों की क्वालिटी देखते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर से मतलब चीज़ें देखते हैं, लेकिन अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में वैल्यूज़ आ जाती हैं, और जब किसी भी चीज़ में वैल्यूज़ शामिल होती हैं तो वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है, ठीक है। देन क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी क्वांटिटी रखती है, क्योंकि क्वांटिटीज़ में हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, उसको वैल्यूज़ में काउंट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्वांटिटी में हम उन वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं, जबकि क्वालिटी हमारे पास सेव नहीं हो सकती। क्वांटिटी को हम जितने चाहे मर्जी अरसे के लिए रखें तो वो हमारे पास सेव हो जाएगी इन वैल्यूज़ के अंदर। सो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो ज़्यादा मोर एक्यूरेट कंसिडर की जाती है देन क्वालिटेटिव वंस। हम यहाँ पर दोनों की एग्जाम्पल देखते हैं कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है और स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जिस तरह से ये एक एग्जांपल है, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथानोल, ठीक है, कि ये सिंपल सी बात है कि एक लीटर का जो वाटर होता है वो ज़्यादा हैवी होता है देन एथानोल, सिंपल, ठीक है। इसके अंदर कोई भी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, इसको हम सेव तो नहीं कर सकते ना, ये एक बात कर दी गई कि ठीक है वाटर जो है ज़्यादा भारी होता है एथानोल की निस्बत। बट अगर हम इसी का क्वांटिटेटिव वे देखें तो क्वांटिटेटिव वे क्या होगा, अ लीटर ऑफ वाटर वेट्स, के एक लीटर ऑफ वाटर है उसका वेट 1000 ग्राम्स है, एंड अ लीटर ऑफ एथेनॉल जिसका वेट 789 ग्राम्स है। तो मोर एक्यूरेट कौन सा हुआ, जिसके अंदर हमें वाटर का एक्यूरेट बता दिया है ना कि वाटर का वेट 1000 है और एथेनॉल का वेट 789 है, एक्यूरेट तो वही चीज़ होगी ना जिसके अंदर वैल्यूज़ गिवन होंगी, और वैल्यूज़ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में गिवन होती है। सो ये कंसिडर किया जाता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है वो मोर ज़्यादा एक्यूरेट होती है। और स्टूडेंट्स ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस एज एन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की तरफ, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट जो हाइपोथीसिस होती है ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथीसिस, ठीक है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या होती है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन वो होती है
के जो रिफ्यूजेबल भी हो, जो झुटलाई भी जा सकती हो, ठीक है, एदर कि वो ट्रू भी हो सकती है और एदर कि वो फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब कि वो कोई जो है अभी कंफर्म बात नहीं है कि ये गलत ही होगी या कंफर्म नहीं है कि ये सही ही होगी, एदर वो गलत भी हो सकती है और वो सही भी हो सकती है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है, 50-50 चांसेस के ऊपर होती है। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोजिशन दैट इट मे बी ट्रू, कि ये सही भी हो सकती है। और नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस होते हैं, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, इन करेक्टरिस्टिक्स को हमने गौर से देखना है, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आते होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो हमें इस चैप्टर को सिर्फ एज एन शॉर्ट क्वेश्चन ही ट्रीट करना है, इसी तरह से देखना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है। करेक्टरिस्टिक्स लिखें गुड हाइपोथेसिस की, ठीक है, क्या होती है, देर आर बेसिकली फाइव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस द, हम फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या होती है, कि इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, कि ये एक जनरल स्टेटमेंट होती है, कोई ख़ास बात नहीं होती, ठीक है, कोई भी पर्सन है उसके मुंह से अगर कोई बात निकल गई है, ठीक है, कोई भी पर्सन है उसके मुंह से कुछ भी निकले, कोई भी आम वर्ड्स निकले हैं, तो वो आम वर्ड्स क्या होते हैं, जनरल स्टेटमेंट होती है, मीन के वो हाइपोथीसिस होता है, वो कोई लॉ नहीं होता, वो थ्योरी नहीं होती, वो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं हुआ होता, सिर्फ एक जनरल सी स्टेटमेंट को कह देना कि जो है ना ये मैंने परिंदों को उड़ते हुए देखा, ठीक है, ये क्या, ये हाइपोथेसिस है, फिर इसके ऊपर आगे ऑब्जर्वेशन होगी, फिर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, फिर इस बात को ला कंसीडर किया जाएगा कि हाँ जो सारे परिंदे हैं वो उड़ते ही हैं, ठीक है, उनको उड़ता हुआ देखा गया था, तो ये क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अगर हम कोई और बात कर लेते हैं कि जिस तरह भैंस को उड़ते हुए देखा, भैंस तो नहीं उड़ती ना, तो ये गलत भी हो सकती है हाइपोथेसिस, ये जनरल स्टेटमेंट है एक, ये ट्रू भी हो सकती है, ये फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, कि ये एक टेंटेटिव आइडिया होता है, वही सेम बात कि ये फॉल्स भी हो सकती है और ये ट्रू भी हो सकती है। हाँ, इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, की जो ऑब्जर्वेशन दी जाती है उसको इसके साथ एग्री भी करना होता है, और ये जितनी सिंपल होती है, जितनी सिंपल हो उतनी हमारे लिए बेस्ट है। इट शुड बी अ टेस्टेबल एंड पोटेंशली फॉल्सेबल, ये टेस्टेबल होती है, इसको हम हाइपोथीसिस होता है, इसके ऊपर नेक्स्ट टेस्ट किए जाते हैं, और ये जो होता है ये फॉल्सेबल भी होती है, इसको हम गलत भी कंसिडर कर सकते हैं, ये ट्रू फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डिडक्शन, डिडक्शन क्या होता है, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो डिडक्शन को डिराइव करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द हाइपोथीसिस, हाइपोथीसिस से निकालते हैं। डिडक्शन होती क्या है, डिडक्शन आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथीसिस, मीन टू से दैट कि हमने एक चीज़ देखी है, ठीक है, एक चीज़ देखी है और उसी एक चीज़ से हमने बाकी तमाम चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगा लिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिडक्शन कहेंगे, ठीक है। जो डिडक्शन होता है इसके अंदर इफ़ और देन ये दो वर्ड्स इवॉल्व होते हैं, ठीक है। जो डिडक्शन होती है वो दो तरह की होती है स्टूडेंट्स, एक होती है किसी भी जनरल थिंग से स्पेसिफिक थिंग की तरफ जाना, और एक डिडक्शन होती है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल जाना। जनरल बात क्या होगी, जनरल बात यही होगी कि ना तमाम जो बर्ड्स हैं वो उड़ती हैं, ठीक है, ऑल बर्ड्स आर फ्लाइंग, जो है वो उड़ती हैं। नेक्स्ट हम स्पेसिफिक की तरफ किस तरह से जाएंगे, अगर तमाम बर्ड्स उड़ती हैं तो स्पैरो वो भी एक बर्ड है, तो वो भी क्या करेगी, उड़ेगी। या हम इस तरह से कर लेते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तमाम जितने भी परिंदे हैं वो विंग्स रखते हैं, और जो स्पैरोज़ हैं उसको हमने स्पेसिफिक कर दिया ना, बर्ड्स में से बर्ड्स में सब आ जाती हैं, उसमें से एक स्पेसिफिक किया स्पैरो को, तो स्पैरो भी जो है वो विंग्स रखती है, तो ये हम जनरल टू स्पेसिफिक चले गए। अगर अब हम स्पेसिफिक से किसी जनरल बात की तरफ जाएँ तो किस तरह से होगा, इसी को अपोजिट कर देते हैं कि इफ़ स्पैरो इज़ अ, इफ़ स्पैरो हैव विंग्स, कि अगर स्पैरो विंग्स रखते हैं देन ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तो सारे जितने भी परिंदे हैं तमाम विंग्स रखेंगे, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं, जब हम डिडक्शन देते हैं, डिटेक्टिव रीजनिंग करते हैं, तो उसके अंदर इफ़ और देन के टू वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इफ़ बर्ड्स हैव विंग्स, कि अगर परिंदे जो होते हैं विंग्स रखते हैं देन ऑल स्पैरोज हैव विंग्स, तो क्या कि स्पैरो भी विंग रखती है, ठीक है। इफ़ और देन आर वर्ड्स यूज्ड होते हैं इन डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटेशन, स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर क्या आता है, एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है ये बहुत ज़्यादा जो होता है एक बेसिक स्टेप होता है, द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड इज़ द एक्सपेरिमेंटेशन, वो एक्सपेरिमेंटेशन होता है।
बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। एक्सपेरिमेंट किया क्यों जाता है? एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया जाता है स्टूडेंट्स, ताकि देखा जाए कि जो हमें हाइपोथेसिस मिला था वो ट्रू भी है या नहीं है। तो हमें किसी भी हाइपोथेसिस का ट्रू और फॉल्स का तभी पता चलेगा ना जब हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, देन हम जान सकते हैं कि वो ट्रू भी है या नहीं है या वो फॉल्स है। तो जो एक्सपेरिमेंट करने का बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि हाइपोथेसिस को हमने रॉन्ग करना है। स्टूडेंट्स, जब भी कोई हाइपोथेसिस पेश की जाती है ना, तो ऑल साइंटिस्ट इस कोशिश में लग जाते हैं कि हमने इस हाइपोथेसिस को रॉन्ग करना है, रॉन्ग करना है, ट्रू नहीं करना, रॉन्ग ही प्रूव करना है। क्यों रॉन्ग प्रूव करना है? क्योंकि अगर हम उस हाइपोथेसिस को ट्रू कर देंगे ना, तो वो एक्सपेरिमेंट से ला बन थ्योरी बनेगा, फिर वो थ्योरी से ला और ला से फिर मतलब वो साइंटिफिक ला बन जाएगा, और जो साइंटिफिक लाज होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते होते। जो मतलब बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर साइंटिफिक लाज एग्जिस्ट नहीं करते होते ज़्यादातर। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करते इतने ज़्यादा साइंटिफिक लॉ। ठीक है, देन अभी बस हमें यही देखना है कि एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो हाइपोथेसिस को ट्रू और फॉल्स प्रूफ करने के लिए की जाती है, और ये एक बहुत ज़्यादा बेसिक स्टेप होता है एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट एक होता है कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट के कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जब भी हम साइंस से डील करते हैं तो साइंस के अंदर एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, और जो साइंटिस्ट होते हैं वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट ही यूज़ करते हैं देखने के लिए कि व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, कि कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट होता क्या है। हमने स्टूडेंट दो तरह के ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, एक ग्रुप होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द सेकंड वन इज़ द कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है, वो ग्रुप होता है स्टूडेंट जिसके अंदर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, बट कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है, बट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होती। स्टूडेंट, जब हम दोनों ग्रुप्स के अंदर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर और कंट्रोल ग्रुप के अंदर भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को प्रोवाइड नहीं की जाती। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रखते, जबकि कंट्रोल ग्रुप जो होता है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसके अंदर तो हमने प्रोवाइड ही नहीं की थी कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके अंदर तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होगा ही नहीं। और जो कंट्रोल ग्रुप था जिसको हमने प्रोवाइड की थी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की थी, तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाती है प्लांट्स के अंदर। सो कंट्रोल ग्रुप जो है वो इज़ द बेस्ट ग्रुप होता है एदर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ज़्यादातर कंट्रोल ग्रुप को प्रेफर करते हैं एदर देन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, कि जितने भी हमारे पास रिजल्ट्स थे उनको हमने समराइज़ किस तरह से करना है। ठीक है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स देखते हैं। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट क्या होता है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं अपना एक्चुअल क्वालिटेटिव या डाटा एक्सपेरिमेंट, क्वान्टिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं उसके अंदर जितना भी उनका डाटा होता है वो सब उसको कलेक्ट करना, क्योंकि वो कलेक्ट करते हैं, फिर उसको कलेक्ट करने के बाद वो कंक्लूजन ड्रा करते हैं। और बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है, इसको यूज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जितना भी साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस बनाई होती हैं, ऑब्जर्वेशन होती हैं, उनकी डिडक्शन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स तक उनका जितना भी ऑब्जर्वेशन होती है, उनके जितने भी डाटा होते हैं, उन तमाम को कलेक्ट किया जाता है कंक्लूजन ड्रा करने के लिए। स्टूडेंट्स, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का लास्ट स्टेप है हमारा रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स, के रिजल्ट्स को पब्लिश करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग दी रिजल्ट, कि एक मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी वो पेश हुई, उसको रिकॉग्नाइज किया, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन हुई, हाइपोथेसिस दिए गए, डिडक्शन हुई, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, सब कुछ हुआ, एंड में हमने उसका रिज़ल्ट देना है। ठीक है, मतलब उसको हमने, अगर वो एक्सपेरिमेंटेशन को पार कर गई है ना हाइपोथेसिस, तो इट मींस कि वो ट्रू है। जब हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती है देन हम उसको रिजल्ट्स एज एन रिज़ल्ट ला बना देते हैं, रिज़ल्ट पेश करते हैं, रिज़ल्ट देने के बाद वो क्या बन जाती है, एक ला बन जाती है स्टूडेंट। लेकिन जो है ना, एक बात है
के जो हमारी साइंस है, साइंस के अंदर इतने ज़्यादा लॉ नहीं होते, साइंटिफिक लॉ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो लॉ है ना, अगर लॉ ज़्यादा हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ज़्यादातर मतलब लॉज नहीं होते, साइंटिफिक लॉ नहीं होते, क्यों लॉज हमारी जो साइंस है उसके अंदर लॉ कम होते हैं, थ्योरीज ज़्यादा होती हैं। अब थ्योरीज ज़्यादा और लॉ कम क्यों होते हैं, ये बात आप गौर से सुने, क्योंकि ये बात भी अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि लॉ कम होते हैं थ्योरी ज़्यादा होती है क्यों। ड्यू टू एवोल्यूशन, क्योंकि जो बायोलॉजी है उसके अंदर एवोल्यूशन होती रहती है। ठीक है, एवोल्यूशन क्या होता है कि मतलब कि हमारी तब्दीली, माहौल जो है उसके अंदर चेंजेस आती जाती हैं। ठीक है, और जब एक चीज़ चेंज हो जाती है तो वो लॉ कैसे बन सकती है? ठीक, वो लॉ कंसीडर नहीं हो सकती, क्योंकि लॉ तो वही होता है ना जो कभी चेंज ना हो सकता हो, वो कभी चेंज ना हो, वो हमेशा अजल से लेकर अब्द तक हमेशा सेम रहे, उसको कोई चेंज ना करे। साइंटिफिक लॉ वो चीज़ होती है। अब जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी में लॉज कम और थ्योरी ज़्यादा होती हैं। क्यों? ड्यू टू एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की वजह से। हमारे यहाँ तो डे टू डे चेंजेस होती रहती है, एवोल्यूशन होती रहती है। इतनी चेंजेस होती हैं, जब इतनी मतलब रोज़ बरोज़ एवोल्यूशन होती रहती हैं, तो क्या एवोल्यूशन होती रहेगी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर? तो एक चीज़ लॉ एज एन लॉ रह सकती है? कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती एज अ लॉ। बायोलॉजी के अंदर अभी तक सिर्फ दो ही लॉ ऐसे आए हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो हमेशा लॉ ही रहेंगे, वो अभी तक लॉ ही हैं, साइंटिफिक लॉ। फॉर द फर्स्ट लॉ है, एक लॉ है मेंडल्स का लॉ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और जीन्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और एक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का लॉ है, और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दो लॉ हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, बाकी जो बायोलॉजी है उसके अंदर लॉज कम और थ्योरीज ज़्यादा होती हैं। बट अगर हम डिफरेंट सब्जेक्ट को देखें, फिज़िक्स देखें, केमिस्ट्री देखें, या हम मैथ्स को देखें, तो उनके अंदर थ्योरीज कम और लॉ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एवोल्यूशन नहीं हो रही। बट बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर डे बाय डे एवोल्यूशन हो रही है। आज साइंटिस्ट एक बात कहते हैं, कल वो दूसरी बात कह देते हैं, तो क्या हो जाती है? एवोल्यूशन हो जाती है। जब एक जगह इतनी ज़्यादा एवोल्यूशन हो रही है, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ एज एन लॉ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंट्रोडक्शन भी था सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, और हमने इसका एक टॉपिक एंड भी किया, दैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती या आपको कोई बात परेशान कर रही है इस लेक्चर में से, कोई भी पॉइंट अनक्लियर है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू सून। थैंक यू सो मच।